जींद में एक समाचार पत्र के एक पत्रकार द्वारा कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी के बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों संबंधी छपी खबर के बाद सांसद सैनी के समर्थकों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश में कई जगह जहां सांसद समर्थकों ने अखबार की प्रतियां फूंककर अपना रोष जाहिर किया, वहीं रादौर में भी सैनी समाज व बीजेपी नेताओं ने बिना तथ्यों के आधार पर झूठी खबर छापने वाले अखबार के पत्रकार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर डीएसपी रादौर को एक ज्ञापन सौंपा। कल पंजाब केसरी अखबार में माननीय सांसद नायब सैनी जी की फोटो के साथ एक समाचार ऐसा आया कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जाने की तैयारी में हैं। लेकिन इसका माननीय सांसद जी ने तुरंत खंडन भी किया और सभी विधानसभाओं में अपने सैनी समाज की तरफ से और अन्य जो अपनी भारतीय जनता पार्टी है उसकी तरफ से भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि जिस पत्रकार ने ऐसी खबर लगाई है उसके खिलाफ ठोस और कानूनी कार्रवाई की जाए। जी, मैं बिल्कुल कहूँगा कि इसमें विपक्ष का पूरा हाथ है, क्योंकि विपक्ष जो है वो माननीय सांसद जी की छवि खराब करने में लगा है, क्योंकि उनको पता है कि उभरता नेता जो है वो नायब सिंह सैनी है। अगर उसकी छवि खराब की जाए तो इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुँचाने की बात है। देश दुनिया दीयां ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। YouTube दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल YouTube चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो। ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज, पंजाब दी आवाज अजीत।